साल 517 ईडी, जिसे डार्क एजेस भी कहा जाता है, और इसकी वजह थी पूरे ब्रिटेन में हथियारों से लैस इंसान और रात के अंधेरे में पनपने वाले मॉन्स्टर्स के बीच जंग छिड़ी थी, और इंसानों की इस बेदर्दी के चलते एक अविनाशी डायन ने अपना काला जादू हर तरफ फैलाकर पूरी धरती से इंसानों का नामो निशान मिटाना शुरू कर दिया, और इसीलिए पेंडल हिल पर एक पुराने ओक ट्री के नीचे किंग आर्थर को अपने शक्तिशाली विजर्ड मेलिन के साथ जादूगर निटायन निम्वे के सामने हार मानकर घुटने टेकने पड़े। वाह वाह वाह, ग्रेट किंग आर्थर स्वयं पेंडल हिल पर आए हैं। हालांकि वो जानते थे कि इंसान और शैतान एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए आर्थर ने निम्वे पर चाल चली। निम्वे को धोखा दिया उसकी सबसे भरोसेमंद डायन कनाएटा ने। ऐसा कोई हथियार नहीं जो मुझे मार सके। एक्सकैलिबर, ये कोई आम हथियार नहीं है। गुस्से में निम्वे ने अपना काला जादू डाला और उस जादुई तलवार की एक स्विंग से आर्थर ने ब्लड क्वीन का सर धड़ से अलग कर दिया। मगर इसके बाद भी वो नहीं मरी, इसीलिए उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े कर हिस्सों को अलग अलग डिब्बों में भर दिया। ये अंत नहीं है, मैं बदला लेकर रहूंगी। और डिब्बों पर मंत्र फूंक दिया जो सिर्फ भगवान को पूजने वाले ही खोल सकते थे। आर्थर ने फिर ब्लड क्वीन के शरीर के हिस्सों को अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों के हाथ दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचा दिया, जहां उन्हें कोई ना ढूंढ सके, यहां तक कि शैतान खुद भी नहीं।